नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के शुभारंभ में देखते हैं आज का सुविचार। मित्रों, बुद्धि का उपयोग शक्ति से कहीं अधिक होता है। योजनाएं बनाकर कोई कार्य किया जाए तो हमारी शक्ति बहुत कम लगती है और शक्ति की बचत के लिए ही बुद्धि का उपयोग भी किया जाता है। बुद्धि का उपयोग करने में खुशी भी मिलती है, आनंद भी मिलता है और काम भी सही समय पर संपन्न हो जाता है। इसलिए योजनाएं बनाई जाती हैं, इसलिए मकान बनाने से पहले नक्शे बनाए जाते हैं, ये सारा काम इसीलिए ही किया जाता है। आप भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, लाभ मिलेगा। मित्रों, आप देखते हैं आज का पंचांग। 10 जुलाई 2019 बुधवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र, नवमी आज तिथि है। अब कार्यक्रम के उस चरण में चलते हैं जो आपके राशिफल से संबंधित है। आपकी पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा दिन है। लोग आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का दोपहर में प्रयास करेंगे, वहां आपको अपनी बातों पर अड़िग रहना है। लाभ मिल जाएगा, नुकसान भी नहीं होगा। दूसरे की बातों में आकर नुकसान कर सकते हैं लेकिन परिवार आपसे खुश रहेगा। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, उत्तम लाभ मिलेंगे और व्यक्तिगत तो सोच ही आज लाभकारी सिद्ध होगी। पहले कहीं कोई नुकसान हुआ है, भूमि से संबंधित नुकसान होगा, पैसे उधार देने से संबंधित नुकसान होगा, आज उससे संबंधित कुछ योजना आप तैयार कर सकते हैं जो लाभकारी सिद्ध होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सोच समझ कर निर्णय करने होंगे। दूसरा, काम की गति को मेंटेन करना होगा और तीसरा, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा, तब जाकर कहीं दिन आपका सफल होगा। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, अच्छे लाभ मिलेंगे। वैसे आज आप पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में दिन गुजार रहे हैं मित्रों की मदद से। मित्रों के भी आप काम कर रहे हैं तो उसकी खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। आज मिठाई बांटना नहीं भूलें। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, लाभ भी मिलेगा, तनाव भी कम होगा, लेकिन व्यक्तिगत जो काम आपके चल रहे हैं उनमें कोई भी अवरोध ना आ पाए इसका विशेष ध्यान रखें। काम दूसरे के करें लेकिन अपना काम प्रभावित ना हो इसका ध्यान रखें। कन्या राशि के व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लाभ मिलेगा। आज मेहनत बहुत कर रहे हैं उसके अनुरूप लाभ उतना नहीं मिल रहा है लेकिन आज की मेहनत आने वाले समय में लाभकारी सिद्ध होगी, इस बात को विशेष रूप से मानकर चलें, लाभ मिलेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अपने कामों का नहीं है, दूसरे व्यक्तियों के काम कर सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ जा सकते हैं। आपके भाग्य से आपके मित्रों के परिजनों के काम बनने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज खुशखबरी का दिन है, अच्छा दिन है, आपके पेंडिंग कामों को संपन्न करने का दिन है। आप जो भी करेंगे उसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, सम्मान भी मिलेगा। धनु राशि व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में आज कुछ उन्नति होगी। व्यापारिक यात्राएं भी हो सकती हैं, इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ सकता है लेकिन यह सब होगा तनाव में, परंतु परिणाम होंगे इसके सार्थक, इसलिए यात्रा करने में संकोच ना करें। मकर राशि व्यक्तियों का आज काम अच्छा संपन्न होगा लेकिन कार्य लिख कर करने होंगे, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए दिन अनुकूल है लेकिन कुछ परिस्थिति विपरीत भी है। विपरीत परिस्थिति वहां है जहां आप दूसरे लोगों की बातों में आ रहे हैं और अनुकूल परिस्थिति वहां है जहां आप स्वयं निर्णय ले रहे हैं परिजनों के माध्यम से, उसमें परिजन सहायक सिद्ध होंगे। मित्रों की आज आवश्यकता नहीं है, जो भी काम करना हो परिजनों से पूछ कर करें और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों का अच्छा समय है, पेंडिंग काम पूरे होंगे, लाभ मिलेगा, स्थायी संपत्ति की योजना बनेगी जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी। मित्रों, यह था आपका राशिफल। अब देखते हैं आज का रामबाण। मित्रों, हम कई बार कुछ योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं सही समय पर फलित नहीं होती हैं, योजनाएं टूट जाती हैं। ऐसे दोष की निवृत्ति के लिए हनुमान जी के मंदिर में पूजन करें, एक नारियल भेंट करें, इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और अपनी योजना बना डालें। निश्चित और सही समय पर आपकी योजनाएं पूरी होंगी। मित्रों, आज इतना ही, कल पुनः बैठूंगी, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।